दोस्तों, अगर आपके पास है वीवो T3 5G फ़ोन, उस फ़ोन में सिस्टम अपडेट करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, यही इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। इसके लिए सिंपली दोस्तों, आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कीजिए और नीचे को आइए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिस्टम अपडेट, यहाँ पे आया होगा तो यहाँ पे देखोगे एक लाल बिंदी दिख रही थी, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे जितने भी MB का अपडेट होगा सब यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। और जो भी यहाँ पे अपडेट जून 2024 सिक्योरिटी जो भी इम्प्रूव किया जाएगा, जो भी सेटिंग्स नई मिलेंगी, सब यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, तो इसी पे क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है जब तक ये दोस्तों डाउनलोड होता है। और यहाँ पे दोस्तों 100% हमारा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। और इंस्टॉलिंग की फिर से एक लाइन चलेगी, फिर से दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखोगे 100% हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, कुछ सेकंड यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। और जैसे हमारे सेकंड पूरे हो जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाता है। अगर नहीं होता है तो इधर रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन मिल रहा था, इस पर क्लिक कर देना है, तब स्विच ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों आपको कोई बटन वगैरह नहीं यहाँ पे दबाना है, जब सिस्टम अपडेट हो जाएगा 2 से 5 मिनट बाद ऑटोमेटिक आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कुछ जाएगा तो नहीं, तो दोस्तों सिस्टम अपडेट से आपके फ़ोन की सिक्योरिटी मजबूत होती है, नए फीचर देखने को मिलते हैं, आपके फ़ोन का कुछ जाता नहीं है, ठीक।